माधुरी कश्यप। लोग कहते हैं बिहार के चुनाव में काबा, तो आज हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में ईबा। बिहार विधानसभा चुनाव में पल पल की जानकारी देने के लिए हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सासाराम सीट से हमारे संवाददाता ज्ञान शंकर जी मौजूद हैं। तो ज्ञान शंकर जी, सासाराम विधानसभा क्षेत्र में काबा। बिहार के 243 सीटों में सासाराम का यह सीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि राजद ने शायद पहली बार यहाँ से व्यस्त समाज को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजेश गुप्ता जो आज कड़ी धूप में लोगों के बीच घूम घूम कर अपना मतदान मांग रहे हैं, अपना मत मांग रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में मत करने का आग्रह कर रहे हैं, लोगों को किवाड़ खुलवाकर दरवाजा खटखटाकर लोगों से बातें कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए देखते हैं कंचनपुर सासाराम गांव से एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के लिए हॉट सीट बन चुका सासाराम विधानसभा में प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजद के वैसे समाज के प्रत्याशी राजेश गुप्ता कुछ अपने अंदाज में ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गांव के पटडंडियों से होते हुए राजेश कुमार गुप्ता करपुरवा, कंचनपुर, मेदिनीपुर, मरुआ, कन्नौजिया, गायघाट सहित एक दर्जन गांव में घूम घूम कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। सभी जगह लोगों का समर्थन, महिलाओं, युवकों, बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद देकर विजय होने की बात कही है। राजेश गुप्ता का अंदाज कुछ इस तरह नजर आया कि वे डोर टू डोर लोगों के घरों जाकर उनके दरवाजे खटखटाकर लोगों के बीच चौपाल में बैठकर अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह करते नजर आए। तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच राजेश गुप्ता कुछ क्षण कंचनपुर गांव में भी बिताए। भूख लगने के बाद गांव के बाहर ही सड़क के किनारे एक गुपचुप ठेले के पास जाकर गुपचुप खाया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान का आग्रह किया। सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रवेश करने वाले राजेश गुप्ता अपने दोनों भाइयों में से सबसे बड़े हैं। कुशवाहा बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, पासवान सहित वैसे समाज की अच्छी खासी आबादी है। राजेश कुमार गुप्ता जी मेरे साथ हैं, हम इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनका सोच क्या है और कैसे ये चुनाव जो लड़ रहे हैं इनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या चाहते हैं, लोगों के बीच कैसे मिल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, तो हम इनसे बातें करेंगे। अभी राजेश जी देखिए, अपने जो राजेश जी का जन सैलाब उभर आया है उससे ये स्पष्ट लगता है कि इनका जीत निश्चित है। हम राजेश जी से बातें करेंगे। राजेश जी, आपके लिए जन सैलाब उभर आया है, वो तो आप खुद देख रहे हैं कि जनता इतनी उत्सुक है कि इस विधानसभा को युवा दिया जाए, युवा का समर्थन हो और युवा यहाँ विधायक बनाए, यही नहीं बिहार का मुख्यमंत्री भी युवा बने। तो राजेश जी का ये मानना है कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं, उन्हीं के लेकर ये काफ़ी उत्साहित हैं, लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। राजेश जी, आप बताएं कि चुनाव प्रचार में जब आप निकलते हैं क्या लोगों के बीच क्या किस चीज़ को कैसे आप कन्विंस करते हैं, कैसे बताते हैं लोगों? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, सड़क का है, शहर में जल जमाव की समस्या है, शहर में सड़क जाम की बहुत सारी समस्या है। विधायक बनने के बाद आप इसको दूर करेंगे? एकदम दूर करेंगे, हम इसी शहर से हैं, इसी जगह के जन्मे पले बढ़े सब यहीं के हैं, सारी समस्या हम देख रहे हैं। अब बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। राजेश जी का ये मानना है कि बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और जब ये विधायक बन के आएंगे तब इस समस्याओं को वो पूरी तरह से दूर करेंगे। सासाराम से वैश्य व्यापार रंजन के साथ ज्ञान शंकर। राजेश गुप्ता के चुनाव अभियान को लोग एक नए अंदाज के रूप में देख रहे हैं, उनका यह अंदाज लोगों को कितना पसंद आता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह राजेश गुप्ता ने कड़ी धूप में लोगों के बीच अपनी मेहनत की है उसका परिणाम चौंकाने वाला होगा। सासाराम से राजन राज के साथ ज्ञान शंकर। तो देखा आपने सासाराम में ईबा, कल इसी क्षेत्र से आपको मिलवाएंगे नए मुद्दों से। ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।